हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर हियर एंड आई होप यू ऑल कैन यू नो सी मी। आई होप आई एम विजिबल आई हो एंड आई होप आई एम ऑडिबल टू। तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में सबसे पहले तो लिख दो कि यस मैम यू आर ऑडिबल, यू आर विजिबल। हाय श्रुति, हाउ आर यू? कैसी हो तुम? आई नो थोड़े दिन, अभी थोड़े, आई थिंक येस्टरडे इटसेल्फ वी हैड अ वर्ड। यस, कल ही बात हुई थी। चलो, सो आज जैसे कि आप सबको पता है कि यू नो वी हैव, हाय वैभव, हाउ आर यू? ऑल गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल हियर। तो सबसे पहले तो जल्दी से, मुझे पता है कि श्रुति का पेपर तो नहीं हुआ है आज। बहुत से, मोस्ट ऑफ यू हैव योर साइकोलॉजी पेपर ऑन 5th ऑफ ऑगस्ट, ठीक है? मगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पेपर हो चुका है कल और आज में, ठीक है? हाय ऋषभ। और जैसे कि आप सबको पता है, हम डे वन और डे टू का एनालिसिस करने वाले हैं आज। किसका एनालिसिस करने वाले हैं? हम साइकोलॉजी पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं सीयूईटी में, राइट? सबसे पहली बात तो ऋषभ, वैभव, मुझे जल्दी से बता दो, क्या आर यू द वंस जिनका पेपर आज या कल में हो चुका है? बिकॉज आई नो श्रुति का पेपर नहीं हुआ है। दो आई हैव सर्टेन यू नो, मेरे पास कुछ एनालिसिस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुकी होते हैं हमारी केस स्टडीज की, हमारे असर्शन रीजनिंग की, तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी से बता दो, अगर क्वेश्चंस आपके, अगर आपका पेपर हो चुका है तो जल्दी से बता दो मुझे। देन वी स्टार्ट डूइंग एंड यू नो एज सुन एज यू टेल वी स्टार्ट विद द एनालिसिस देन। हाँ जी, सो ओके, सबसे पहली बात तो एक चीज हमेशा याद रखो, जो चीज मैं बहुत पहले से, अगर आप लोग सुपर ग्रेड्स पे जाके देखोगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हाउ एवर हैव योर पेपर ऑन 5th ऑफ ऑगस्ट, मेरे को ये चीज अच्छे से मालूम है। मगर आप में से जिन जिन के पेपर और जिन जिन के पेपर आज और कल में हुए हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो मुझे एक चीज पता चली कि आपके जो पेपर का लेवल था, ठीक है, द लेवल ऑफ द पेपर रेंज्ड फ्रॉम इजी टू मॉडरेट, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये चीज याद रख लो कि इजी टू मॉडरेट तुम्हारे पेपर का लेवल था, ठीक है? एज इन इट स्टार्टेड विद द इजी क्वेश्चंस, वेंट ऑन टू द मॉडरेट लेवल। बट अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूं, ठीक है, तो दोनों ही दिन जैसे कि डे वन और डे टू में डिफिकल्टी लेवल वॉज नॉट दैट मच, ठीक है? अब डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है? वी हैव टू हैव एवरीथिंग, वी हैव टू रीड एवरीथिंग। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एनसीईआरटी की लाइंस आएंगी तुम्हें, ठीक है? जब केस स्टडीज आ रही है ना, तो केस स्टडीज में एनसीईआरटी की लाइंस आ रही है लिटरली, ठीक है? तो दिस इज वाई आई नो वी हैव प्रैक्टिस एनसीईआरटी वेरी नाइसली, ठीक है? हमने एनसीईआरटी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, मॉक की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले तो कि डे वन और डे टू में जो कॉमन चीजें थी वो क्या थी, ठीक है? सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ, द मोस्ट कॉमन थिंग दोनों दिन में जो था वो था केस स्टडीज, ठीक है? अब ये जो केस स्टडीज आई थी, ये केस स्टडीज मेनली आई थी चैप्टर वन से, ठीक है? वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, चैप्टर वन की केस स्टडी, चैप्टर वन की केस स्टडी में से भी सबसे ज्यादा तुम्हारी इंटेलिजेंस या थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की केस स्टडीज थी, ठीक है? जैसे कि मैं अब तुम्हें बताती हूँ, ठीक है, अगर सबसे पहले हमने हमने जितने मॉक सॉल्व किए हैं, ठीक है, सुपर ग्रेज के जितने मॉक सॉल्व किए हैं, एनटीए का मॉक हमने सॉल्व कर दिया, इतनी सारी चीजें हमने सॉल्व कर दी हैं, और तो और हमारी प्रैक्टिस क्लासेस में भी हम जो सॉल्व करते हैं उनमें भी हमने एक, हम तुम्हें अच्छे से याद हो अगर, हमने बहुत सारी केस स्टडी सॉल्व की है चैप्टर वन में से, ठीक है? हमने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की केस स्टडी सॉल्व की है, ठीक है? नाउ वन ऑफ द केस स्टडी ऑन दिस डे वॉज थियोरी ऑफ, वॉज फ्रॉम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, ठीक है? हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। मैं तुम्हें क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, तुम्हें एक एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे यहां से पहले मैं लिख देती हूँ तो शायद और इजी हो जाए समझने में। द क्वेश्चन सेड, उनने दो उनने कोई, लेट्स से एक एक्स वाई जी करके कोई नाम था, ठीक है? ऐसे दो तीन नाम उनने ले दिए थे। उनने
उनने वही बोला था कि दिस पर्सन वॉज वेरी गुड विद विद द क्वांट पार्ट. ठीक, क्वांट से सबको समझ में आ गया, न्यूमेरिकल्स. ठीक है, अब उसके बाद उनने कुछ दूसरे इंसान का नाम लिखा, नीचे उनने लिखा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड विथ द वर्ड्स. और एक और चीज याद रखना, वर्ड स्मार्ट करके एक चीज आएगी तुमको. ठीक है, ये अब उनने तीसरे इंसान का नाम लिख दिया. उस तीसरे इंसान को उनने ये बोला कि उसको फ्लोरा और फौना में बड़ा इंटरेस्ट था. ठीक है, इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे पहली बात तो ये जो थियोरी है, ये थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की है. अगर क्वांट पार्ट बहुत अच्छा है तो इसमें क्या हो गया, इसका मतलब वो इंसान किसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा हुआ. ठीक है, लॉजिकल, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल. ठीक है, उसके बाद एक तो क्वांट हो गया. अब अगर वर्ड स्मार्ट है बंदा, तो द पर्सन हैज टू बी वेरी वेरी गुड इन व्हाट, वर्बल एप्टीट्यूड. ठीक है, और अगर फ्लोरा एंड फौना उसको अच्छा लगता है तो उसका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वेरी हाई, एक्सट्रीमली एंड एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट क्वेश्चन. अब इन दोनों दिन से हमें एक चीज ये समझ में आई, केस स्टडी उनने बेसिकली इसलिए दिए जस्ट टू फेच मार्क्स, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका है. नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमें समझ में आया, सॉरी, हाँ, जो दूसरी चीज हमारे समझ में आई वो दूसरी चीज ये थी कि हमें असर्शन रीजन बहुत सारे आए. ठीक है, असर्शन रीजन तो तुम्हें आएंगे. ओके, नाउ इफ एनीबडी हैज एनी डाउट राइट नाउ, ओनली जिन जिन ये उन लोगों के लिए बेसिकली है, पेपर जिनका हो गया दैट इज ओके, बिकॉज पेपर वॉज प्रिटी मच ऑन द इजियर साइड. ठीक है, नाउ दिस इज बेसिकली फॉर दोस पीपल जिनका पेपर इज देयर ऑन 5th August. ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो. आफ्टर केस स्टडीज यू हैड असर्शन रीजन. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइकोलॉजी का, एक चीज याद रखना. अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, असर्शन रीजनिंग जो बच्चे सीबीएसई के हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड, पीपल हु बिलोंग टू सीबीएसई दे आर वेरी मच वेल वर्स्ड विद द असर्शन रीजन पार्ट. ठीक है, नाउ आई हैव नो क्लू अबाउट द स्टेट बोर्ड, मगर आईसीएससी में असर्शन रीजन हैड द प्रॉब्लम. ओके, असर्शन रीजन आईसीएससी में बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते, बट दिस एग्जाम हैड असर्शन रीजन. ओके, यस इशिता, हैड द असर्शन रीजन क्वेश्चन वॉज देयर. ओके, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे असर्शन रीजन का, उसको देखो पहले तुम लोग. तो सबसे पहले रुको, आई राइट वन क्वेश्चन ओवर हियर, वेट. ओके, एनी वे, बस इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना पहले तो. ऋषभ, केस बेस्ड विल, आई एम कमिंग टू दैट, केस बेस्ड विल कम इन द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. ठीक है, तुम्हें तुम्हें एक एंग्जाइटी से रिलेटेड केस बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, आया था एज इन, हो सकता है तुम्हें नेक्स्ट. अब देखो, जब जब तुम्हें चैप्टर 4 से और चैप्टर 1 से केस बेस्ड आ गया है, तो हो सकता है इन द नेक्स्ट पेपर यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन द केस स्टडी रिले ऑन बेस्ड ऑन 3rd चैप्टर. अब अगर 3rd चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो, अगर 3rd चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो वो कौन सा होगा? यस, हाँ, यस शांति, एग्जैक्टली, जो चैप्टर्स 12th में कट थे वो, बेटा जो चैप्टर्स 12th में कट थे, ऑल दोज चैप्टर्स आर कमिंग. ठीक है, एनसीईआरटी पूरी बुक, योर एनसीईआरटी बुक, इफ यू रिमेम्बर योर एनसीईआरटी बुक, मैं यहां लिख देती हूँ, पूरी योर होल एनसीईआरटी बुक. ठीक है, एनटीए हैज टोल्ड यू ऑलरेडी, एनटीए ने एग्जाम से पहले ही, जब सीयूईटी लॉन्च हुआ था तभी तभी एनटीए ने बोल दिया था एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, नो रिफ्रेशर, नथिंग. ठीक है, जो एनसीईआरटी में लाइन वाइज लाइन यू आर गेटिंग द क्वेश्चन. बहुत सी केस स्टडीज ऐसी आई है जो कि उनने बुक का एक्सर्प्ट उठा के दे दिया है. ठीक है, तो प्रॉबेबली अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, इट विल बिकम मोर इजियर फॉर यू. ओके, अब मैं आपको एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन बताती हूँ जो कि आया था. ठीक है, तो उसमें असर्शन ये था, उसमें कि पीपल विद आईक्यू, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं, मैं कीवर्ड्स लिख रही हूँ. ठीक है, पीपल विद आईक्यू अबव 130 आर नोन एज, बेसिकली दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज वेरी सुपीरियर. ठीक है, ये था असर्शन. ठीक है, अब इसका रीजन उनने एग्जैक्टली, इशिता, ओके, इसको इसको छोड़ के मैं इशिता
इशिता और इशिता, आई एम सो सॉरी, यस बट यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. GAS मॉडल अगर थर्ड चैप्टर से केस स्टडी आया, ठीक है, तो डेफिनेटली हैंस एलिए के मॉडल में से आएगा, जो कि है GAS मॉडल, अलार्म रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन, उसका केस स्टडी यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है, बिकॉज राइट ना अभी नहीं आया है तो नेक्स्ट में पक्के में आएगा, ठीक है. अब असर्शन ये था, इसका रीजन इन्होंने ये दिया था कि IQ, पीपल विद IQ बिलो 25, ठीक है, पीपल विद IQ बिलो 25 सफर फ्रॉम माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है. ये तो इसमें अगर आप लोगों को एक चीज दिख रही है, ये दोनों अगर आप देख रहे हो, असर्शन और रीजन, तो असर्शन तो यहाँ पे सही है, ठीक है. असर्शन इसलिए सही क्योंकि IQ अबव 130 इज नोन एज वेरी सुपीरियर गिफ्टेडनेस की बात हो रही है, मगर क्या इसका रीजन सही है? ये रीजन तो बिल्कुल ही सही नहीं है, ठीक है. तो जिन लोगों ने एक्चुअली मार्क किया है कि यस ए इज राइट बट आर इज रॉन्ग, उनका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको, इस टाइप का असर्शन रीजन आपको आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का असर्शन रीजन इन दोनों दिन आया है. ओके, नॉट द सेम बट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, ठीक है. मुझे एग्जैक्टली एक क्वेश्चन, मेरे को यू नो वन ऑफ माय अक्वेंटेंसेस टोल्ड मी कि एक ये वाला क्वेश्चन आया था, हेंस फोर्थ आई आई टोल्ड यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है. बट सेकेंड में एज इन डे टू को भी एग्जैक्टली इंटेलिजेंस से ही क्वेश्चन आया था. ओके नाउ एग्जैक्टली हिता, वेरी गुड, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, परफेक्ट परफेक्ट. नाउ वैभव, यू आर सेइंग हाउ मेनी क्वेश्चंस इन केस स्टडी. बेटा एक केस स्टडी में हो सकता है कि वो आपको चार क्वेश्चन भी दे दे, हो सकता है कि आपको तीन क्वेश्चन भी दे दे, वो उनकी मर्जी है. अभी जो हमने पैटर्न देखा है, ठीक है, जैसा एनटीए का मॉक हुआ था, मॉक के ही यू नो प्रोबेबली ऑन द लाइंस ऑफ मॉक ही वो पेपर बनाया है उनने, जो अभी जो पेपर आपके आ रहे हैं, और उनसे एक चीज बहुत क्लियर हुई है कि उनने मॉक के पैटर्न को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, ठीक है. तो उनने मॉक के पैटर्न को बहुत अच्छे से फॉलो किया है. अब वापस, अब जब डे वन और डे टू में आ जाएं, तो सबसे पहले मैं वापस आपकी सिमिलैरिटीज, वापस से पहले इजी टू मॉडरेट, ठीक है. मॉडरेट में देखो, इजी में तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट वर्ड्स, जैसे एक चैप्टर वन में एक सिचुएशनिज्म वाला क्वेश्चन आया था चैप्टर वन से, ठीक है. चैप्टर वन में पहले ही पेज पे तुम्हें एक सिचुएशनिज्म वाला क्वेश्चन है, वो सेम क्वेश्चन वाज देयर. ओके नाउ मॉडरेट में तुम्हें हो सकता है कि वो POX ट्रायंगल का, जैसे आज जो POX ट्रायंगल का क्वेश्चन आया था, वो POX ट्रायंगल तुम्हें दे दे एटीट्यूड चैप्टर में से, ठीक है. थोड़ा सा ऑन द लेवल ऑफ मॉडरेट हो जाता है. अब सबसे पहली चीज, कोई मुझसे अभी कह रहा था 12th के चैप्टर्स कट हो गए, वो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. जितने चैप्टर्स हैं, यू हैव इन ऑल 9 चैप्टर्स, एंड ऑल दीज 9 चैप्टर्स आर वेरी मच कमिंग, एंड बोथ ऑन डे वन एंड डे टू दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हमारा ये इजी टू मॉडरेट हो गया, दूसरा हुआ केस बेस्ड और केस स्टडी क्वेश्चंस. मोस्टली केस स्टडी जो दोनों दिन आए हैं, देवर फ्रॉम चैप्टर वन एंड चैप्टर फोर, ठीक है. आज और कल की बात अगर मैं करूं, कल और आज की बात अगर मैं करूं, तो चैप्टर वन और चैप्टर फोर. उसके बाद यू हैड योर असर्शन रीजन कमिंग, ओके, असर्शन रीजन आए हैं. उसके बाद फिलअप्स एक भी नहीं आया है, ठीक है, एक भी फिलअप नहीं आया. अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैड MCQs, ठीक है. ओके विच चैप्टर, ओके प्रज्ञा, यस वी हैव आर मॉक्स प्रज्ञा. इफ यू विजिट आर पोर्टल, दैट इज टॉप रैंक का सुपर ग्रेड्स, वी हैव मोर देन 9-10, प्रोबेबली इट्स प्रोबेबली यू नो 10-10 मॉक्स ओवर देयर. ओके वो 10 मॉक्स, मोस्ट ऑफ द मॉक्स आर एग्जैक्टली लाइक द मेन पेपर दैट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है. बट स्टिल, और यू नो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू मोर वीडियोज एंड एवरीथिंग. नीचे और जाओगे अगर इस पर्टिकुलर चैनल में आप, तो इस चैप्टर वाइज चैप्टर वन से लेके चैप्टर 9 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई हैव अपलोडेड. ओके थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं. ओके
अनिवागा, यू आर सेइंग दैट विच चैप्टर्स हैड द मोस्ट क्वेश्चन फ्रॉम. आई वुड से डे वन और डे टू में सबसे ज्यादा अगर तुम्हें क्वेश्चन आए हैं तो वो तुम्हें आए हैं दोनों डे. मैं दोनों का बता रही हूं तुम्हें मिला के, एक सेकेंड. दोनों का अगर मैं बताऊं तो चैप्टर वन, चैप्टर वन का हाईएस्ट, क्योंकि चैप्टर वन आपका वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स है, चैप्टर वन और चैप्टर फोर. सेकेंड अगर मैं किसी को दूंगी चैप्टर वन के बाद, देखो चैप्टर वन डेफिनेटली मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, एक सेकेंड. या चैप्टर वन को मैं प्रायोरिटी दूंगी क्योंकि डे वन और डे टू में, और इवन एनटीए के मॉक, एनटीए ने जो मॉक रिलीज किया था उसमें से भी चैप्टर वन के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे. दूसरा अगर मैं किसी को दूंगी तो वो है चैप्टर फोर. तो इन दो चैप्टर्स में से मेरे को सबसे ज्यादा देखने को मिले. और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो तुम चैप्टर यहाँ पे थ्री लिख सकते हो, ठीक है. मैं फिफ्थ चैप्टर इसीलिए नहीं दूंगी क्योंकि जो फोर्थ और फिफ्थ है ना, थोड़ा सा फोर्थ में फिफ्थ मिला देते हैं. इसीलिए ये टॉप थ्री चैप्टर्स हैं आपके, इसमें से डे वन और डे टू में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं. ओके ओके यस ओके प्रज्ञा, फाइन प्रज्ञा, आई प्रोवाइड यू मोर विद द मोर मॉक्स. ऋषभ, यू आर सेइंग कैन आई एक्सप्लेन द डेवलपमेंट साइकोल चैप्टर साइकोलॉजिकल स्किल्स इन शॉर्ट. ओके ऋषभ, द ओनली थिंग इज आज अपन ये एनालिसिस के लिए आए हैं स्टिल. ओके यू नीड टू चेक द पोर्टल. आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग ओवर देयर. द होल चैप्टर इज एक्सप्लेन्ड. ओके द होल चैप्टर इज एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटिफुली राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड. बस एक बार पोर्टल पे जाओ, ठीक है, रजिस्टर योर सेल्फ एंड ऑल द चैप्टर राइट फ्रॉम चैप्टर वन टू चैप्टर नाइन आर एक्सप्लेन. और उसके बाद, सबसे उसके बाद चैप्टर देख लोगे. चैप्टर देखने के बाद मेरे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स के. दैट ऑल्सो यू कैन गो थ्रू. ओके नाउ आई हैव अ क्वेश्चन अनिवागा. चैप्टर सेल्फ एंड पर्सनैलिटी हैज अ वेटेज. अब मुझे, क्योंकि क्योंकि इन दोनों दिन चैप्टर वन एंड चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर आ गए, प्रोबेबिलिटी है, जस्ट प्रोबेबिलिटी, अंडरस्टैंड, ठीक है. मैं ये नहीं बोल रही कि कोई चैप्टर छोड़ दो, छोड़ना तो है ही नहीं हमें, ठीक है. वी हैव टू स्टडी लाइन बाय लाइन. इफ यू हैव अटेंडेड द पोर्टल क्लासेस एंड द लाइव क्लासेस, आई जो मैंने पढ़ाया है इन लोगों को, वो मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया है एनसीईआरटी. सो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इसलिए बोल रही हूँ चैप्टर टू की 5 अगस्त को, क्योंकि इन चैप्टर्स पे इनने फोकस कर चुका है. ओके पेपर्स विल चेंज, ठीक है, दूसरे प्रोबेबली व्हेन यू हैव योर 5 अगस्त का पेपर, पेपर्स विल चेंज. हो सकता है उसमें वो चैप्टर टू को वेटेज दे दें, हो सकता है चैप्टर वन को वापस वेटेज दे दें, ठीक है, 7th को दे दें, एनीथिंग कैन हैपन. इसीलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी थ्रू विद आवर कोर्स नाउ. ओके इशिता, यू आर सेइंग एनी कैलकुलेशन क्वेश्चन. आई विल राइट द कैलकुलेशन क्वेश्चन. मैं वो क्वेश्चन लिख के लाई हूँ मेरे हाथ पे, ठीक है. सो यस, एक बार थोड़ा सा ना मैं इसको इरेज और कर दूँ, एक मिनट. ओके जस्ट अ सेक. यार वापस से, आज देर वॉज वन क्वेश्चन, मैं डे टू वापस यहाँ पे डाल देती हूँ, ठीक है. डे वन में देर वॉज जस्ट बेसिकली देर वॉज नो कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन. कैलकुलेशन के नाम पे डे वन में ये एम ए अपॉन सी ए वाला था, ठीक है, कि फॉर्मूला बेसिकली तुम्हारे एमसीक्यू में जो होता है ना, एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, ये वाला क्वेश्चन था. अब डे टू में ये क्वेश्चन था, आई राइट द क्वेश्चन, मेरे हाथ पे लिखा हुआ है. अ चाइल्ड विथ एन क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, जिसको क्रोनोलॉजिकल नहीं समझ में आ रहा वो, इट्स द बायोलॉजिकल एज, ठीक है, बायोलॉजिकल एज ऑफ 9, ओके, एंड विद द मेंटल एज ऑफ 12 विल हैव व्हाट आईक्यू. ये क्वेश्चन था, ठीक है. अब अगर जिस, अगर आप लोगों को अभी बन रहा है यहां पे देख लो, इस फॉर्मूला में लगा के देख लेते हैं. मेंटल एज क्या थी उस बच्चे की, 12 थी. क्रोनोलॉजिकल एज 9 इंटू 100, यहाँ पे करके देखो. अगर इस क्वेश्चन को अगर करते बन रहा है, ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, इसका आंसर भी मुझे पता है क्या है, एंड इट्स द करेक्ट आंसर एक्चुअली. इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर इसका कुछ आएगा 133.33 एंड इट विल गो ऑन. 133 विल बी द वैल्यू एंड इट विज, जिस जिसने 133 मार्क किया, इट्स द करेक्ट वन,
ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वॉज सीन टूडे. ठीक है, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द केस स्टडी. ओके वैभव, द बेस्ट थिंग टू प्रिपेयर फॉर केस स्टडी इज द सी, केस स्टडीज आती इसलिए बेसिकली टू फेच यू ऑल मार्क्स. ठीक है, जैसे कि मैंने तुमको केस स्टडी वो वाली बताई थी अभी, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी वाली केस स्टडी बताई थी मैंने तुमको. ठीक है, तो बेसिकली यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग फ्रॉम द केस स्टडी. यू विल हैव द क्वेश्चन एक बार, इट्स जस्ट लाइक अ पैसेज बच्चे. ठीक है, आपको जैसे इंग्लिश में आरसीज आते हैं, ठीक है, आई थिंक सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री में भी आपको पैसेजेस आए, तो छोटे छोटे पैसेजेस लाइक दीज विल कम इन साइकोलॉजी. ठीक है, डरना नहीं है उससे, घबराना नहीं है. ठीक है, एनसीईआरटी को जितना रीड कर सकते हो उतना रीड करो. रीड करोगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन उसी टाइम, तुम प्रॉबेबली टाइम भी नहीं लगाओगे. दो द होल पर्पस ऑफ केस स्टडी इज टू फेच यू मोर मार्क्स. ठीक है, क्वेश्चन देखोगे वैसे ही केस स्टडी वापस रेफर करोगे, केस स्टडी में यू विल गेट द आंसर एंड देन यू विल राइट योर आंसर अकॉर्डिंगली. मगर दिस इज इजी, आई नो दिस इज इजी, मगर उसके लिए एनसीईआरटी रीड करो. रीड थ्रू एनसीईआरटी, जितना है 5 अगस्त तक का टाइम है, जितना टाइम है एनसीईआरटी रीड, सो रहे हो सोते सोते एनसीईआरटी रीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट एटलीस्ट समथिंग हियर. ओके, यू विल बी एबल टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर केस स्टडी, डोंट वरी. यस, असर्शन रीजन इज द प्रॉब्लम. तो असर्शन रीजन हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं असर्शन रीजन के, तो मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया किस टाइप के क्वेश्चन आए थे असर्शन रीजन में. ठीक है, इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स गाइज प्लीज राइट डाउन, आई विल सॉल्व इट राइट नाउ. सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द कंक्लूजन नाउ. ठीक है, तो एक बार हम और अच्छे से इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि डे वन वर्सेस डे टू. ठीक है, तो डे वन और डे टू में क्या क्या वापस से सिमिलैरिटीज थी, वापस से आई ट्राई टू रीइटरेट. एनसीईआरटी, स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करनी है और कहीं नहीं जाना हमको. ठीक है, दूसरी बार द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, एनटीए का मॉक अगर देखा है, द पेपर वॉज ऑन बोथ द डेज एग्जैक्टली ऑन द लाइन्स ऑफ एनटीए का मॉक. थर्ड, केस स्टडीज वर देयर. ठीक है, फोर्थ, असर्शन रीजन वर देयर बोथ द डेज. ठीक है, नाउ डे टू हैड द कैलकुलेशंस, एज इन कैलकुलेशन के नाम पे क्या ही है, साइकोलॉजी में एक ही क्वेश्चन है. ठीक है, जस्ट द एमए अपॉन सीए पार्ट इनटू 100, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं. ठीक है, सो डे टू हैड दैट, इसलिए मैंने डे टू के आगे लिख लिया. फिफ्थ, बोथ द डेज द पेपर वॉज इजी टू मॉडरेट. ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल का था. इजी टू मॉडरेट का मैं तुमको एग्जाम्पल दे चुकी हूं. इजी में जैसे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज अगर देखोगे सिचुएशनिज्म वाली लाइन दिखेगी, वैसा का वैसा लाइन आया था पेपर में. ठीक है, मॉडरेट में जैसे कि मैंने तुमको बताया, जैसे अगर जब हम मॉडरेट की बात, पीओ एक्स ट्रायंगल एटीट्यूड वाला क्वेश्चन. ठीक है, और एक और चीज आई थी, लेट मी टेल यू द स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन. ठीक है, डे वन में स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन पे से एक केस स्टडी आया था. ठीक है, अगर याद है ग्रुप फॉर्मेशन की स्टेजेस तो बहुत अच्छे से किया होगा किसी ने. ठीक है, पूरी स्टेजेस, फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, ठीक है, स्टॉर्मिंग, जो भी है, फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, अडजर्निंग, ठीक है, सारी स्टेजेस पे से एक केस स्टडी आई थी. उनने बेसिकली स्कूल के एनुअल फंक्शन को एक उनका एक क्वेश्चन या एक केस स्टडी में डाल दिया था. तो स्कूल का एनुअल फंक्शन, राइट, यू नो, पहले फॉर्म होता है, नॉर्म, स्टॉर्म, उसके बाद परफॉर्म होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें, पूरी की पूरी स्टेजेस तुम्हारी आ गई थी उसमें, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एज इन उस केस स्टडी क्वेश्चन में. तो यहां से भी एक केस स्टडी आई थी. ठीक है, अब अगर जैसे तुम लोग ने मेरे को बोला कि हाईएस्ट हाईएस्ट मार्क्स फ्रॉम विच चैप्टर, तो मैं यहाँ पे मैं दोनों दिन का एक एनालिसिस अगर आपको दू, तो यहाँ पे ये देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी आई विल गिव टू चैप्टर वन. दोनों दिन की अगर हम बात करें तो, ठीक है,
यस एग्जैक्टली कट वाले चैप्टर भी आएंगे, ठीक है? इसीलिए 12th में जो चैप्टर आपके बिल्कुल कट हो गए थे, एनटीए ने पहले ही बोल दिया था, पूरा एनसीईआरटी मतलब 9 चैप्टर्स हैं, 9 के 9 चैप्टर्स पूरे आएंगे, देयर इज नथिंग दैट इज रिड्यूस्ड बाय एनटीए। ओके हाँ यस बच्चे दे विल कम। श्रुति आप क्या कह रहे हो, कैन यू बी अ लिटिल मोर इलेबोरेटिव? यस चैप्टर 4 और थर्ड अगर मैं किसी को बताऊंगी तो वो था चैप्टर 3, ठीक है? तो इन चैप्टर्स का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा लगा मुझे इस पर्टिकुलर इन दोनों दिन के एनालिसिस में। एनटीए का जो मॉक था उसमें भी चैप्टर 1 सबसे ज्यादा आया था, ठीक है? सो एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है? सो नाउ आई थिंक विद दिस वी कैन एंड आवर डिस्कशन अबाउट द डे 1 एंड द डे 2, ठीक है? आप में से जिस जिस का पेपर इज देयर ऑन 5th August, ओके? जिस जिस का पेपर पहली बार तो आज और कल हो चुका है, आई वुड से कूडोज टू यू गाइज, एंड आई होप यू नो वी सी ऑल ऑफ यू विद यू नो फ्लरिशिंग विद फ्लाइंग कलर्स। जिस जिसका पेपर इज देयर ऑन 5th August, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव देयर पेपर ऑन 5th August, ओके? सो आई वुड से ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? वैभव क्वेश्चन रिपीट होगा। वैभव देखो प्रोबेबिलिटी तो कम है क्वेश्चन रिपीट होने की, क्योंकि देखो बहुत दिन है उनके पास, बहुत सारे गैप्स हैं, सब कुछ है, तो उनने बहुत खुल के आराम से टाइम लेके पेपर्स बनाए हैं, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी कम है क्वेश्चंस रिपीट होने की, ठीक है? इसीलिए माय सजेशन वुड बी लास्ट मोमेंट में रीड थ्रू एनसीईआरटी, यू माइट गेट लाइंस एंड यू विल क्लिक ऑन द क्वेश्चन एग्जैक्टली, ठीक है? शांति यू आर सेइंग एनके मॉक में मोस्टली, हाँ बेटा कट चैप्टर के क्वेश्चंस कम है एनटीए के मॉक में, मगर कट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं जरूर, ठीक है? एनटीए के मॉक में चैप्टर के, मैं बोल रहा हूँ चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के क्वेश्चंस बहुत कम है, द प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस, मगर क्वेश्चंस आए हैं, राइट? तो आपको चैप्टर आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? और चैप्टर और क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे इसीलिए, ओके? सो विद दिस आई सपोज वी कैन एंड आर डिस्कशन फॉर टुडे, एंड आर एनालिसिस फॉर टुडे, ठीक है? आई विल बी बैक जैसे ही पेपर होगा, जैसे ही दूसरा दूसरा पेपर होगा, दूसरी डेट को पेपर होगा, आई विल बी बैक विद द एनालिसिस अगेन, ठीक है? टिल देन अच्छे से पढ़ो, जिस जिसका पेपर नहीं हुआ प्लीज 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 फोकस, अच्छे से पढ़ो, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प यू हैव ऑल माई वीडियोज, स्क्रॉल स्क्रॉल थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करो और यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड वील मीट अगेन, ठीक है? बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।